तो so, आपने ये सुना होगा कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन लोगों को ह्यूमंस को और जब मैंने आपसे पहले मेंशन भी किया था कि मैन और ह्यूमंस आर सोशल दे आर सोशल एनिमल्स क्यों कहा जाता है बिकॉज उनको एक दूसरे से मिलने का बड़ा शौक है उनको बात करने का बड़ा शौक है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको देखने का बड़ा शौक है सो ह्यूमंस आर वेरी विजुअल बींग्स उनको देखने से बहुत फ़र्क पड़ता है ये उसी तरह जिस तरह अगर कोई इंसान बहुत वेल well ड्रेस्ड हो आपके सामने खड़ा हो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा एज़ कंपेयर टू समन हुज़ नॉट वेरी वेल ड्रेस्ड और ये फिलोसफी इज़ कॉल्ड अपीयरेंस हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखें हम देखें कि हमें हम किस तरह का लिबास पहनते हैं और वो लिबास लोगों को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता और इस पूरे कॉन्सेप्ट में लिबास के अलावा कलर्स और थीम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं और हम लोगों को कैसे देख रहे हैं सो दिस लेसन इज़ अबाउट सिलेक्टिंग योर थीम हमने थोड़ा सा ज़िक्र इसका पहले भी किया था वेयर वी एक्चुअली ट्राई टू सी किस तरह से हम वर्डप्रेस की थीम सेलेक्ट कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं बट वी आर गोइंग टू डिक दिसल डीपर एंड वी आर गोइंग टू सी वट आर थीम्स थीम्स क्या होती हैं बिल्कुल जिस तरह आपके फोन में आपके पास या आपके पी सी में या आपके लैपटॉप में आपको कलर्स चेंज करने का बहुत शौक है आपको थीम्स चेंज करने का बड़ा शौक है इसी तरह वर्ड प्रेस अलाउज यू टू चेंज द अपेयरेंस ऑफ योर वेबसाइट किसी भी वेबसाइट में किसी भी कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो थीम्स का एक फंक्शन है दैट विल अलाउ यू टू वेरी इजीली चेंज द अपीयरेंस ऑफ दैट वेबसाइट आप येलो कलर की थीम करना चाहते हैं आप ब्लू कलर की थीम करना चाहते हैं आप वाइट में करना चाहते हैं ब्लैक में करना चाहते हैं रेड में करना चाहते हैं पर्पल में करना चाहते हैं किसी भी रंग में आप अपनी वेबसाइट को रंगना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं यूजिंग थीम्स बट द ग्रेट पार्ट इज के कॉन्टेंट रिमेन्स द सेम कॉन्टेंट वही रहेगा बर्ड प्रेस और किसी भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की ये खासियत है कि वो कंटेंट को वही रखता है कंटेंट नहीं बदलता कंटेंट किसी भी तरह से चेंज नहीं होता द थीम ओनली चेंजेस सो दैट्स वाई वर्ड प्रेस इज पॉपुलर या कोई भी कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज पॉपुलर क्योंकि कॉन्टेंट वही रहेगा सिर्फ वेबसाइट की अपियरेंस चेंज हो जाएगी एंड यू डोंट नीड टू लर्न हाउ टू कोड अ न्यू वेबसाइट आप बड़े आराम से सिर्फ विद क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन एक्चुअली चेंज द थीम ऑफ योर वेबसाइट बट द क्वेश्चन इज के यार थीम को हम चेंज क्यों करें एक वर्ड प्रेस डिफॉल्ट थीम इंस्टॉल कर रहा है तो उसी को रखते हैं क्या ज़रूरत है कि हम जाके देखें कि के थीम क्या है इमेज क्या हैं सो so, आप अपने जहन में रखें कि जिस तरह आप लाइक यू आर वन ह्यूमन ऑन दिस प्लानट ऑफ सेवन बिलियन पीपल इसी तरह आपकी वेबसाइट

रोज गोल्ड कलर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये ब्लैक में बड़ा अच्छा लग रहा है क्यों बिकॉज ऑफ द थीम सो थीम्स आर वेरी क्रूशल थीम चेंज करने से पहले आप अपनी वेबसाइट uh, के फ्रंट एंड को जरूर देखें ताकि आपको नजर आ रहा हो कि करंटली थीम्स कैसे एग्जिस्ट करती हैं और अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप पेरेंट्स के सेक्शन में जाएंगे वहां पे आप थीम्स चेंज कर सकते हैं एंड वहां पे आपको अपनी करंटली इंस्टॉल्ड थीम्स भी नज़र आ रही होंगी जिस तरह ये एक uh, इमेज है जो कि मेरी साइट का है जो दिखा रहा है आपको कि मेरी साइट में ये ये थीम्स इस वक्त करंटली इंस्टॉल हैं एंड यहाँ से आप और थीम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं कुछ थीम्स हैं जो वर्ड में प्री इंस्टॉल्ड आती हैं और कुछ थीम्स हैं जो आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं और जैसा मैंने आपको कहा था आई वॉन्ट यू टू टेक डीप सो इस वाले लेसन में मैं आपको सिर्फ कुछ थीम्स दिखाऊंगा इंस्टॉल अभी मैं नहीं करा रहा आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी दीज थीम्स एंड आई वॉन्ट यू टू सी के थीम्स कैसी हैं इनके कलर्स कैसे हैं कैसे ये डिजाइन एलिमेंट्स को अपने डिफाइन करते हैं कुछ उसमें से पेड हैं कुछ इनमें से फ्री हैं सो लेट्स गो लाइव सो जैसे मैंने आपको कहा था इस लेसन में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ थीम्स तो मेरे साथ रहेगा बिकॉज आई विल टेक यू ऑन अ टूअर ऑफ थीम्स अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी ऑल दो आई थिंक के अपेरेंस वाइज कोई चीज़ बुरी नहीं होती लेकिन आई वॉन्ट टू शो यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स डैट एग्जिस्ट फॉर बेस्ट पहले तो हम जाएंगे हैं मेरी एक साइट जो कि है डिजिटक साथ हमें डॉट जीरो 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 वेब होस्ट एप डॉट कॉम और जाते सारी मैं आपके सामने आई डिसेबल ऑल एग्जिस्टिंग प्लग इन सो ए क्रिसमिट विल गो अवे और साथ ही साथ एनहैंस मीडिया लाइब्रेरी प्लग इन को भी आई डिसेबल इट और अब मैं जाऊंगा अपेरेंस थीम्स में एंड दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू शो यू थीम्स तो आप देखें ये वो थीम्स हैं जो करंटली आपको नज़र आ रही हैं और ट्राई टू सी कि यहाँ पे कितनी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है ये वो थीम्स हैं जो वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इंस्टॉल होगी एक और चीज़ भी ज़ेन में याद रखिएगा कि कुछ थीम्स इनमें से हैं जो कि वर्ड प्रेस डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करता है इन थीम्स की कुछ नेमिंग कन्वेंशन हैं जिस तरह ट्वेंटी 2013, 2015, 2017 ये ईयर वाइज थीम्स हैं जो वर्ड प्रेस खुद प्रोवाइड करता है ऑल दीज फोर थीम्स पे मैं इस वक्त आपको अपने माउस से इशारा करते हुए नजर आ रहा हूं दीज आर थीम्स विच आर बाय प्रेस एक थीम इधर इस वक्त है जो कि वर्ड प्रेस की नहीं है जिसका नाम है शेपली शेपली थीम आपको सिर्फ जीरो 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 वेब होस्ट पर इंस्टॉल करते हुए नजर आएगी यूजली वेन एवर यू इंस्टॉल वर्ड प्रेस आपको कुछ डिफरेंट थीम्स हो सकता है यहां पे नजर आए I don't want to show you how to add themes because वो हम आगे जाके सीखेंगे मैं आपको नई themes दिखाना चाह रहा हूँ So what we'll go is we'll go to Google.com and we will search for WordPress themes. और यहाँ पे I want to show you के WordPress की एक अपनी repository है which is known as the WordPress themes directory. और इस रिपोजिटरी पे आपको दुनिया की हर तरह की थीम अवेलेबल होगी आपको मिलेगी आप इस रिपोजिटरी को यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड योर परफेक्ट थीम सो वट विल डू इज़ वी लुक एट द होम पेज एंड वी लुक एट सम गुड थीम्स जिस तरह यहाँ पे ये काफ़ी थीम्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको नज़र भी आ रही होंगी आई लाइक दिस ब्रॉडकास्ट लाइट थीम एंड आई वॉन्ट टू प्रिव्यू इट तो मैं प्रिव्यू का क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब आप ये थीम देख सकते हैं ये थीम्स यूजली तौर तो पे कभी प्रीव्यू में वैसी नहीं दिखती जैसी आपको उनके थंबनेल पे नजर आ रहा हो क्योंकि कुछ इमेजेस मिसिंग होती हैं इस केस में आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो उस थीम में इंस्टॉल नहीं है बट आई वॉन्ट टू सी मोर थीम्स तो मैं क्या करूँगा मैं दोबारा थीम डायरेक्टरी पे जाऊँगा और वहाँ पर आई लुक फॉर सम ऑफ द पॉपुलर थीम्स वो कौन सी थीम्स है जो पॉपुलर है तो ये देखें एस्ट्राक थीम है हेस्टी थीम है ओशन डब्ल्यू पी ट्वेंटी फिफ्टीन ये सारी वो थीम्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए जिससे आपकी वेबसाइट को चार चांद लग जाएंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड ऑफ अ थीम यू एक्चुअली सिलेक्ट सो देअ इज हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ ऑप्शन ऑफ थीम्स बट मेरे लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि मैं वो थीम सर्च करूँ जो मुझे चाहिए सो वट आई एल डू इज आई गो ऑन द फीचर फिल्टर एंड आई आईल सेलेक्ट ऑन द थीम दैट आई वॉन्ट सो मैं जाऊँगा और मैं देखूंगा कि मुझे एजुकेशन रिलेटेड थीम चाहिए सो आई क्लिक ऑन अप्लाई फिल्टर एंड अप्लाई फिल्टर के अंदर आई कैन सी जो यहां पे थीम्स लोड होंगी ऑल ऑफ देम आर फोकस्ड टूवर्ड्स एजुकेशन आपको वो फिल्टर नजर भी आ रहा है साथ ही साथ अगर मैं जाऊं और ई कॉमर्स रिलेटेड कोई थीम सर्च करना चाहूं सो आई कैन Select that. I'll click on Apply Filter. वो भी आपको themes यहाँ पे नजर आ रही हैं. So themes are endless. एक और चीज़ में करना चाहूँगा कि I'll go on Google and I'll search for best looking free WordPress themes. और आप ये गूगल पे सर्च करेंगे गूगल को यूज़ करना ना भूलें थीम्स को सर्च करने का बेस्ट तरीका ये है कि आपको गूगल पे सर्च करना सही तरह से आता हो सो so ये देखेंगे थीम्स ही थीम्स हैं दैट यू कैन यूज़ फॉर योर बिजनेस इन डिफरेंट वेज हाउ यू वॉन्ट टू यूज़ दैम बड़ी प्यारी थीम्स हैं और ये सारी फ्री हैं काफ़ी ऐसी थीम्स हैं जो फ्री नहीं भी हैं बट ऑल दीज थीम्स आर फ्री तो इनको यूज़ करें इनको अपने ब्लॉग पे इंस्टॉल करें ट्राई करें देखेंगे थीम से कैसे आपकी वेबसाइट में चार चांद लग सकते हैं ताकि हम आपको सजेस्ट कर सकें कि आपकी साइट के लिए बेशक वो ई कॉमर्स साइट है बेशक वो एंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट साइट है इंफॉर्मेशन साइट है कौन सी थीम कुड बी द बेस्ट थीम